स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 20 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार का चीनी मिल का दौरा। सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण करने पहली बार सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के आम लोगों ने पटाखे फोड़कर और फूल मालाएं पहनाकर किया जोरदार स्वागत। नवनिर्मित कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पहले किच्छा और सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज चीनी मिल पहुंचकर चीनी मिल के स्टॉक और प्रोडक्शन का जायजा लिया। वहीं चीनी मिल निरीक्षण के पश्चात प्रेस वार्ता कर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता का आभार मानता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझे चुनकर सेवा का मौका दिया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें मंत्री पद भी मिला है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक की जिसमें कि किसानों का पिछला बकाया जो भी है उसके जल्द भुगतान किए जाने पर और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस वार्ता के दौरान किसानों को बकाया भुगतान जल्द किए जाने का आश्वासन दिया। जिले की सभी चीनी मिलों की सभी समस्याओं के निवारण के लिए कार्य किया जाएगा। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। मंत्री बनने के बाद और मैं पूरे क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आपने दूसरी बार अपने भाई बेटे को जिता के भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझको एक मौका दिया उत्तराखंड की सेवा करने का। जिस क्षेत्र जिस प्रदेश की मेरे दादाजी ने जिस प्रदेश की मेरे पिताजी ने सेवा करी थी आज मुझे भी उसका सेवा करने का मौका मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने तहे दिल से मुझे चुनाव लड़ाया, मेरे साथ संघर्ष किया, 5 साल सेवा करी क्षेत्र की और उसका आशीर्वाद हम लोग को मिला। आज पहली बार उधम सिंह नगर आया मंत्री बनने के बाद और सबसे पहले मैं माननीय राजेश शुक्ला जी के क्षेत्र में किच्छा में जो चीनी मिल थी उसका हमने निरीक्षण किया। उसके बाद मैं सितारगंज अपने क्षेत्र में आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आया था और क्या समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान निकलना है उसके ऊपर चर्चा करी है। मैं आने से पहले 6 दिन पहले हमने 4 दिन पहले एक समीक्षा बैठक ऑलरेडी ले चुके हैं सारे अधिकारियों के साथ, तो समस्या सारी पता है। बस आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आए थे कि कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो गया, कितना पिराई सत्र हो गया है, कितने चीनी के बन गए हैं, क्या समस्याएं हैं, सब आज देखे जा रहे हैं और बहुत जल्द इन सबका समाधान निकलेगा। बताया कि 4 दिन पहले मैंने एक समीक्षा बैठक हमारे यहाँ 396 करोड़ का और सिर्फ सितारगंज चीनी मिल की बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ रुपये का भुगतान बचा हुआ है। जो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे अधिकारियों को कि जितनी भी चीनी मिले हैं, मैं सिर्फ सितारगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी प्रदेश की चीनी मिलों की बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैंने 40 से 45 दिन का हमने उनको टारगेट दिया है कि आप सारी जो भुगतान है उसको पूरा करें।